कच्चे धागों से बनी पक्की डोर है राखी, प्यार और मीठी शरारतों की होड़ है राखी, भाई की लंबी उम्र की दुआ है राखी, बहन के प्यार का पवित्र धुआं है राखी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रेरणा तलवार और स्वागत करती हूं फर्स्ट बाइट टीवी के इस खास प्रोग्राम में। इस साल रक्षाबंधन का त्यौहार 15 अगस्त को मनाया जा रहा है। इस पवित्र दिन पर बहनें अपने प्यारे भाइयों की कलाई पर राखी बांधती हैं और अपनी बहनों की रक्षा का संकल्प लेते हैं प्यारे भाई। इस बार राखी का त्यौहार भाई बहनों के लिए और भी ज्यादा खास होने जा रहा है। ज्योतिषाचार्य पंडित मनोज कुमार द्विवेदी के अनुसार रक्षाबंधन का ये पवित्र त्यौहार इस बार गुरुवार के दिन पड़ रहा है। ये दिन गुरु बृहस्पति का दिन माना जाता है। इस त्यौहार को लेकर काफी मान्यताएं हैं, जिनमें से एक है कि देव गुरु बृहस्पति ने देवराज इंद्र की विजय प्राप्ति के लिए इंद्र की पत्नी को रक्षा सूत्र बांधने को कहा था और इसी के बाद से ही रक्षाबंधन का ये त्यौहार मनाने की प्रथा शुरू हो गई। और यही कारण है कि गुरुवार को ये पर्व होने से इसका महत्व और भी ज्यादा बढ़ जाता है और आप लोग भी राखी के त्यौहार के लिए बेहद उत्सुक होंगे। बहनें थाप सजाकर भाई को टीका करने, उसकी कलाई पर राखी बांधने के लिए खूब उतारू होंगी। तो जान लीजिए कि इस दिन सबसे पहले बहन भाई सुबह भगवान विष्णु का पूजन जरूर करें और बाद में राखी बांधें तो और भी ज्यादा शुभ होगा। तो वहीं इस बार राखी पर भद्रा का साया नहीं रहेगा, इसलिए बहनें भाइयों की कलाई पर सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त के बीच राखी बांध सकती हैं। अनुष्ठान का समय सुबह 5:53 से लेकर शाम 5:58 तक रहेगा। दोपहर का मुहूर्त 1:43 से लेकर शाम 4:20 तक होगा। खास बात यह है कि रक्षाबंधन के दिन रेशमी वस्त्र में केसर, सरसों, चंदन, चावल और दुर्वा रखकर रंगीन सूत का पूजन करने के बाद भाई के दाहिने हाथ में बांधना बेहद शुभ होगा। इससे पूरे साल सुख समृद्धि बनी रहेगी और आपके भाई का जीवन सुखमय बीतेगा। अब जैसे जैसे देश आगे बढ़ रहा है, वैसे वैसे सोच का बदलना भी जरूरी है। भारतीय त्यौहार राखी को मनाने के लिए जब किसी बहन के घर भाई पैदा नहीं होता और घर में एक बहन पैदा हो जाती है तो उसकी माँ पर बेटा पैदा करने के लिए तरह तरह के दबाव बनाए जाते हैं। लेकिन आज के युग में कई बहनों ने अपनी बहन की कलाई पर राखी बांधकर ना सिर्फ त्योहारों को बल्कि रिश्तों को भी एक नया रूप दिया है। राखी का पवित्र दिन बहन भाई के प्यार को और भी ज्यादा बढ़ा देता है, लेकिन अब वो बहन के बीच का प्यार भी बढ़ाने लगा है। रक्षा करने का हक सिर्फ भाई का नहीं बल्कि एक बहन का भी है। और जहां तक बात राखी पर लिए गए भाई से वादे की है, तो भाइयों, आपको रक्षा सिर्फ अपनी बहन की नहीं बल्कि समाज में हर उस बहन की करनी है जो आपको मुसीबत में दिखाई दे। ये संकल्प इस राखी पर खुद से कीजिए, त्योहारों को एक नया रूप दीजिए। आप सभी को रक्षाबंधन के इस पवित्र त्योहार की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार।